हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैक कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी न्यूज़, जो देख आपको पता ही होगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो आज से शुरू होने वाली थी। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम के शुरू होते ही यहाँ पे एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि GTU में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया गया था उसमें विद्यार्थियों जो मतलब स्टूडेंट्स हैं उनका डेटा लीक कर दिया गया है। सो यहाँ पे क्या लिखा है देखते हैं। मोटा प्रमाण में GTU ने ऑनलाइन परीक्षा छबरड़ो विद्यार्थियों डेटा लीक थियो, मतलब विद्यार्थी का जो स्टूडेंट के जो डेटा है वो लीक हो गए हैं। अब उनके असली फ़ोटो प्लस उनके जो आधार कार्ड या कह सकते हैं आप ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब जो प्रूफ था आईडी कार्ड का, सो वो जो है ऑनलाइन सबको दिख रहा है। मोटा प्रमाणे विद्यार्थियों फ़ोटो और आईडी जाहिर थे। सो 30,000 मतलब जो स्टूडेंट है अप्रोक्स 30,000 उनके जो डेटा जो है वो बाहर निकल चुके हैं, जो है वो वेबसाइट पे अवेलेबल हो चुके हैं। सब के फ़ोटोज़ और उनके फ़ोटो आईडी जो है वो वेबसाइट पे दिख रहे थे, एक वेबसाइट थी उसमें। सो ये 30 जुलाई मतलब आज ही का ये न्यूज़ है। गुजरात समाचार पेपर का क्लिप है, आप देख पा रहे हैं गुजरात समाचार ई पेपर का ये क्लिप है। कोरोना महामारी ना पगले हाल देश में ऑनलाइन स्कूल अने कॉलेज चाली रही छे। दरमियान आज GTU नी ऑनलाइन परीक्षा शुरू थवानी हती, जो के आ पहला 2 दिवस अगाउ लेवायली प्रैक्टिस टेस्ट, अच्छा जो प्रैक्टिस प्री ट्रायल टेस्ट था उसका डेटा लीक हो चुका है, ऐसा लिखा है इन्होंने। थवानी विगतों सामे आवी गई छे, जेमा विद्यार्थी फोटोग्राफ अने आईडी प्रूफ जेवा के ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पान कार्ड, कॉलेज आईडी एंड चूंटनी कार्ड सहित ना ओळख दर्शावामा दस्तावेजों जोई शकाय छे। तो आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से उनका फ़ोटो और फ़ोटो आईडी प्रूफ का फ़ोटो जो है वो वेबसाइट पे पब्लिक कर दिया गया था। GTU एग्ज़ाम ना नामे भणती वेबसाइट तैयार करीने 1200 थी विद्यार्थियों ना डेटा लीक कराया छे, जेमा सौथी वधु विद्यार्थियों समावेश थयेल छे। डेटा लीक थयानी विगत मामले GTU ना अधिकारी द्वारा तपास शुरू कराई छे। तो मतलब GTU वालों ने भी यहाँ पे शुरू कर दिया है जांच पड़ताल के, ये वेबसाइट किसने बनाई थी या फिर ये डेटा लीक किसने किया है। विद्यार्थी ने डेटा लीक थवानी ऑनलाइन सोशल मीडिया में रोज जोवा मड़ी रही है, मतलब स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं, क्योंकि जो ये सब चीज़ें होती है ये पब्लिक में जो है जाहिर नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों ने कहूँ छे कि जो हमारो अंगत डेटा हैकर्स ना हाथ में आ गया तो सामाजिक अने आर्थिक दृष्टि मोटू नुकसान हमारे सहन करवो पड़ से, मतलब जो है अगर ये सब डेटा किसी हैकर के हाथ लग जाए तो उसमें उसके काफ़ी ज़्यादा नुकसान के चांसेस है। बीजी तरफ आ अंगे GTU ना सत्याधीशों तरफ थी कोई सत्तावर निवेदन के खुलासो सामे आव्यो नथी, मतलब GTU अभी तक जांच पड़ताल कर रही है, उनके तरफ से अभी भी कोई स्टेटमेंट आया नहीं है। GTU द्वारा 30 मई ऑनलाइन परीक्षा लेवाना छे, जेमा 3 ऑगस्ट थी एमई एमफार्म सहित PG कोर्सना परीक्षा चालशे, जेमा 1-2-9 विद्यार्थी परीक्षा आपसे, जयरे 4 ऑगस्ट थी UG डिग्री ना विविध कोर्स, इसमें कोर्स के डेट दिए गए हैं कि 3 तारीख से PG और एमफार्म एमई और एमफार्म के एग्ज़ाम होंगे, जिसमें 1-2-9 स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने वाले थे और 4 अगस्त से मतलब अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम चालू होने वाला था। आ डिग्री कोर्सेस 19,700 विद्यार्थी परीक्षा आपसे, अने डिप्लोमा कोर्सना डिप्लोमा कोर्स के 3,477 स्टूडेंट्स और डिग्री कोर्स के 19,700 स्टूडेंट्स जो है वो एग्ज़ाम देने वाले हैं। सो ऑनलाइन परीक्षा प्रथम बार लेवाती हुआ आ परीक्षा माटे सजा अलग थी नियमों नक्की कराया छे अन बुधवार ना रोज जाहिर करवामा आव्या हता, मतलब इसके लिए अलग से नियम कानून बनाए गए थे कि अगर आप एग्ज़ाम में चीटिंग करते हुए पकड़ा जाते हैं तो उसके क्या क्या पनिशमेंट होंगे आपके लिए, जो मतलब कल के दिन GTU वालों ने डिक्लेयर किया था उसके ऊपर मैंने जो है डिस्क्रिप्टिव एक वीडियो बनाया था, वो आप देख लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा हो तो। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और
अपडेट्स मिलती रहे। ऑनलाइन परीक्षा में सजा माटे अलग थी नियमों नक्की कराया, तो नियम जो है वो मैंने कल समझाया था। कॉपी पेस्ट करवा माटे पण परीक्षा सेमेस्टर रद्द कराशे। डमी विद्यार्थी पकड़ाशे तो 4 सेमेस्टर माटे परीक्षा माटे गैरलायक। ओके, तो ये सब मैंने समझा ही दिया था कल एक डिटेल वीडियो में। सो आज बेसिकली इतना ही था कि जो प्री चेक ट्रायल टेस्ट में इतने जितने भी स्टूडेंट हुए थे उनके सारे के जो है डेटा लीक हो चुके हैं। सो लेकिन अभी वो वेबसाइट फ़िलहाल बंद हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो हैकर्स है वो उनको डेटा मिल गया हो तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। तो इसका GTU वालों को आगे से ध्यान रखना चाहिए। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये न्यूज़ यूज के या तो फिर आपको लगे कि ये GTU वालों के तरफ से सही नहीं किया गया है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच। कोटा कोटा।